15 जुलाई 2024 को यमन के हुती ने लाल सागर में तीन बड़े हमले किए थे। ये हमले इसराइल से जुड़े हुए ऑयल टैंकरों पर हुए थे और इन हमलों को लेकर हुती ने कहा था कि उसने लाल सागर में दो भूमध्य सागर में एक ऑयल टैंकर पर बहुत बड़ा हमला किया है। उस वक्त हुती के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल यहया सारी ने सामने आकर कहा था कि लाल सागर में बेंटले ऑयल टैंकर पर कई समुद्र ड्रोन, आत्मघाती ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया था। इसके अलावा लाल सागर में ही शियोस लॉयन ऑयल टैंकर पर हुती की नौसेना, रॉकेट फोर्स और ड्रोन फोर्स ने एक साथ मिलकर अटैक किया था। और इस हमले को लेकर हुती ने कहा था कि इन दोनों ही जहाजों ने फिलिस्तीनी बंदरगाह पर लगाए गए प्रतिबंध का उल्लंघन किया था, इसलिए इन जहाजों पर हमला किया गया। लेकिन अब हुती ने इस हमले का प्रमाण देते हुए एक वीडियो जारी किया। हुती द्वारा जारी किए गए इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे एक समुद्री ड्रोन जहाज की तरफ से आगे बढ़ रहा है। हालांकि हुती ने इस ड्रोन को धुंधला कर दिया है ताकि इसकी जानकारी पता न चल सके। वीडियो में दिख रहा है कि एक ड्रोन जहाज के पास जाता है और अचानक से फट जाता है, जिसमें जोरदार ब्लास्ट होता है। जहाज के दाएं तरफ कई बार बड़े बड़े धमाके होते हैं। वहीं इस हमले को लेकर ब्रिटेन की मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी UKMTO ने भी कहा था कि एक ड्रोन ने बंदरगाह की तरफ जहाज पर हमला किया है, जिससे जहाज को भारी नुकसान हुआ है। हालांकि इस जानकारी के बाद UKMTO ने कोई जानकारी नहीं दी। UKMTO के मुताबिक पहले जहाज पर यमन के उत्तर पश्चिमी अल हुदैदा से करीब 169 किलोमीटर दूर हमला हुआ। इस हमले में एक ड्रोन का इस्तेमाल हुआ, जिसने जहाज को बंदरगाह की तरफ से नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा इसी इलाके से दक्षिण पश्चिम में करीब 129 किलोमीटर दूर एक जहाज पर कई बार हमले हुए और एक समुद्री ड्रोन जहाज के करीब आकर दोपहर करीब 3:30 पर फटा। वहीं भूमध्य सागर में इराक के प्रतिरोधी समूह और हुती ने मिलकर ओलिवा ऑयल टैंकर पर हमला किया। यहा सारी का कहना है कि इस हमले ने अपने टारगेट को हासिल किया। दरअसल हुती की नौसेना ने विस्फोट से लदे एक ड्रोन को शियोस लॉयन ऑयल टैंकर की तरफ भेजा था और ये समुद्री ड्रोन जहाज के पास जाकर दाई तरफ फट जाता है, जिससे जहाज में एक बहुत बड़ा धमाका होता है।